देखो बिल्कुल लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिया था कि कुछ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से पढ़ा था, रिलेशंस हमारे पास कुछ आए हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले, अब इसको मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया था, ई का क्या था ना, ई को मैंने सिग्मा की फॉर्म में लिखा था। अब पीछे जाके देखोगे तो देखो आप, ई को मैंने सीधा सिग्मा की फॉर्म में लिखा था। का है देखो, मैंने लैम्डा को तो लिखा था सिग्मा की फॉर्म में, है ना। ऐसे ही मैंने के को भी सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया था, के को भी सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया था, म्यू को मैंने सिग्मा की फॉर्म में लेके चली थी, मैं लैम्डा को सिग्मा की फॉर्म में लेके चली थी। आया कहाँ से आई लैम्डा की ये वैल्यू, कहाँ से आई म्यू की वैल्यू, कहाँ से आई? अब हमें ये तो निकालनी ही पड़ेगी ना। देखो कैसे स्टडी करते हैं, देखो ये था आपके पास कंसेप्ट, लैम्डा एंड म्यू इन टर्म ऑफ ई एंड सिग्मा निकालना था आपको। अब सिग्मा की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में तो मुझे पता है लैम्डा बाय टू लैम्डा प्लस म्यू होती है ई की। ये दो तो हमने स्टार्टिंग से ही हम लेके चले थे कि ई की वैल्यू ये होती है लैम्डा एंड म्यू की फॉर्म में, सिग्मा की वैल्यू ये होती है लैम्डा एंड म्यू की, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, है ना। तो मैं लैम्डा इस साइड लेके और ये मल्टीप्लाई करके लैम्डा कॉमन लेके सिग्मा की फॉर्म में आप ऐसे निकाल सकते हो। सिंपल सॉल्यूशन है, देखो सिंपल सॉल्यूशन क्या और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या क्या मैंने, मैंने जो सिग्मा की वैल्यू मैं लेके, मतलब जो है सिग्मा का लैम्डा के फॉर्म में और ई को म्यू और लैम्डा के फॉर्म में, हमें पता है ऐसे लिखा जाता है, तो वहाँ से मैंने लैम्डा निकाला है इस वाले में से। तो बस इस ये उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, वो उस साइड लेके ऐसे ऐसे करके सिर्फ लैम्डा की वैल्यू निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, आप ऐसे निकाल सकते। ये तो हो गया मेरा किसका, लैम्डा। अब मुझे क्या निकालना है, म्यू का। देखो म्यू की वैल्यू आएगी ये। अब ये कहाँ से आई, ये भी पीछे से, देखो पीछे ये था ना, सिर्फ म्यू यहाँ अकेला छोड़ दो, लैम्डा वन माइनस टू सिग्मा ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे टू सिग्मा, तो म्यू की वैल्यू निकलेगी। ये यहाँ से हमारी म्यू की वैल्यू निकलाई, ठीक है, ये लैम्डा और म्यू हो गया। अब मुझे ई की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। देखो ये तो बहुत सिंपल होगा, म्यू की वैल्यू आपको पता चल गई इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल गई इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, तो सारा यहाँ पे पुट कर दो, ई की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ सिग्मा। देखो कैसे ये आप सारा ऐसे पुट करो, देखो ये पुट किया, फिर सिंपल सॉल्यूशन है, सोल्व करते जाओ, ये लास्ट में जाके जो है मेरा ई की वैल्यू ये आ जाएगी, देखो ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा आ गई। ये कहाँ से आई है, देखो ये ई सिग्मा वन माइनस टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा कहाँ से आई, ई की वैल्यू आ गई थी यहाँ से इतनी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लैम्डा यहाँ पे अकेला छोड़ दो, ई सिग्मा बाय वन प्लस माइनस टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा लैम्डा की वैल्यू आ गई। म्यू क्या था मेरा, म्यू था मेरा ये, है ना, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगी, तो म्यू आ गई ई बाई टू वन प्लस सिग्मा, लैम्डा आ गई ई सिग्मा वन माइनस टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा। मेरे को यही जानना था कि लैम्डा की वैल्यू ये कहाँ से आई थी और म्यू की वैल्यू ये कहाँ से आई थी। हो सके तो ये इस पूरे चैप्टर में यूनिट में 10-12 न्यूमेरिक ये होंगे, सो फॉर्मुलेज होंगे, ये आप याद कर लो। इसको याद करने से पूरी यूनिट बहुत आसान हो जाएगी। एक पेज पर लिखो लैम्डा इन टर्म ऑफ सिग्मा होता है, लैम्डा इन टर्म ऑफ ये म्यू वगैरह, लैम्डा की फॉर्म में ई को कैसे लिखा जाता है, सारा आप याद कर लो, फिर आपके सारे कंसेप्ट बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ई हमने ये कहाँ से निकाला, ये फिर से देख लो एक बार। ये सबसे पहले मैंने लैम्डा, जो पहले इसके जो फॉर्मुलेज थे मेरे, देखो सिग्मा इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ई इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा एंड म्यू, यहाँ से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से ये म्यू की वैल्यू भी यही से निकाल ली सॉल्यूशन करके। देखो म्यू यहाँ पर पढ़ा रहे दिया, और ये लैम्डा वन माइनस टू सिग्मा बाई टू सिग्मा होगा। लैम्डा एंड म्यू इन टर्म ऑफ सिग्मा मैंने इसमें पुट कर दिया, ई की वैल्यू आ गई, यहाँ पर अकेला लैम्डा बचा रह गया था, देखो ये आ गया, ठीक है। फिर ये सारा पुट कर दिया, पुट करते करते लास्ट में मेरा ये आ गया, यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालू, लैम्डा यहाँ पे छोड़ दूँ, ये सारा उस साइड ले जाऊँ, लैम्डा की वैल्यू आ गई। म्यू ये था, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ, म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मेरे को ये ही निकालना था, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब क्या है मेरा कंसेप्ट, अब है मेरा कंसेप्ट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बताना आपको इन टर्म ऑफ ई एंड सिग्मा, ई और सिग्मा की फॉर्म में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बताना, बहुत ईजी है। क्या था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, पहले वो लिखो, ई आई जे इक्वल टू वन बाई टू म्यू टोर आई जे माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे टू म्यू थ्री लैम्डा प्लस टू म्यू टोर के। ये था ना मेरा ई आई जे, जनरलाइज हुक लो के टाइम ये आ गई थी मेरी वैल्यू, है ना, ये आ गई। अब मुझे इन द टर्म ऑफ ई एंड सिग्मा लिखना है। तो याद करो आपके लैम्डा आए थे, लैम्डा आया था आपका, म्यू आया था, इन द फॉर्म ऑफ ई और सिग्मा आया था, लैम्डा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने म्यू की वैल्यू जो आई थी आपकी वो पुट कर दो, देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी आपकी, ई सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन माइनस टू सिग्मा, और म्यू की वैल्यू क्या आई थी आपकी, ई बाई टू वन प्लस सिग्मा। ये सारा पुट कर दो, जहाँ पे म्यू है वहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दो क्या, ई बाई टू वन प्लस सिग्मा, जहाँ लैम्डा है वहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो क्या, ई सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन माइनस टू सिग्मा। सिंपल पुटिंग है, कुछ नहीं है। फिर ऐसे करते करते मेरा सॉल्यूशन फेर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप
इन टर्म ऑफ ई एंड सिग्मा। मैं बार बार कह रही हूँ कि टोटली 10-12 फॉर्मूलेज है, कोई म्यू का है, कोई लैम्डा का है, कोई जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है, किसी में मैंने ई आई जी की वैल्यू निकाल दी टोर आई जी की फॉर्म में, कहीं मैंने टोर आई जी को निकाल दिया ई आई जी की फॉर्म में, तो ये टोटली 12-13 फॉर्मूलेज है। अगर आप एक बार इनको याद कर लोगे तो आपके लिए पूरी यूनिट बहुत आसान हो जाएगी, वरना शायद आपको टफ लगे। तो पहले आप एक पेज पर लिखो कि ये फॉर्मूलेज क्या क्या है, बस उन फॉर्मूलेज का यूज़ है बार बार और आपका सारी यूनिट बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो ये वैसे मैंने पुट कर दी सारी चीज़, जो जो अभी मैंने आया था ना लैम्डा और म्यू इन द फॉर्म ऑफ ई एंड सिग्मा, मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल आपको बस रखना है और सारा सॉल्यूशन खुद हो जाएगा। बस हो गया ये, तो ये सारी ये चीज़ निकलाएगी, आप खुद करके देखो, बहुत आसान है ये।